पर्सेंट क्या है? छवा नंबर रूट अंडर उसमें दिखता है? नहीं दिखता। अरे आरो ऊपर वो अब दिखा जी। बोलो रूट अंडर एक प्लस साइन है, साइन है बटे एक प्लस एक माइनस साइन बराबर सेक ए प्लस टेन है। टेन ए हाँ टेन है बस। साफ दिखा इसको कुछ नहीं करना है। इसमें क्या करना है ये जो है ना निचल का मान को ऊपर के मान को जो है ना ऊपर नीचे से गुणा कर देना है। ये देख रहे वन प्लस साइन ए जो लिखा हुआ है ना ऊपर के मान से ना इसको गुणा कर देना। सबसे पहले यहाँ लिख देंगे एल एच एस एल एच एस दे दिए और इसमें हम ई मान लिख देते हैं वन प्लस साइन ए जो प्रश्न है आ बटे वन माइनस साइन ए लिख दिए एल एच एस पहले लिख दिए। अब हमको जब गुणा करना है हर का परिमेयकरण करेंगे लिख देंगे यहाँ हर का परिमेयकरण करने पर हर का परिमेय यहाँ ऐसा का वाला जितना भी प्रश्न मिलेगा ना जी सब कैसे ही बनाया जाएगा ठीक है सबको ऐसा ही बनाएंगे। हर का परिमेयकरण करने पर देखो वन प्लस साइन ए बटे वन माइनस साइन ए गुना करना है। इसी को हम ऊपर नीचे से गुना कर देंगे वन प्लस साइन ए बटे वन माइनस प्लस से लिखेंगे दोनों इसमें प्लस से ऊपर नीचे गुना होगा तो प्लस से हम गुना कर दें। अब गुना करके लिखते हैं वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर होगा होल स्क्वायर अब बटे एक को गुना करेंगे साइन को करेंगे तो वन माइनस साइन स्क्वायर एक को एक से किए तो एक हुआ अब प्लस माइनस माइनस साइन को साइन से किए तो क्या हुआ साइन स्क्वायर हो गया। अब देखो इसमें क्या होगा ये रूट हटेगा ठीक है पहले सूत्र लिख देते हैं वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे वन माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है कॉस स्क्वायर। इसका देखो एक के बार यानी कि सूत्र ए को प्रयोग हुआ है कि वन वन माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर कॉस स्क्वायर एगो फार्मूला की यूज किया गया है देख रहे एक के वो सूत्र लगता है। अब इसमें से रूट हटाएंगे ना तो ये स्क्वायर जो है दोनों में सब हट जाएगा तो यहाँ पर चल देते हैं वन प्लस साइन ए बटे कॉस ए रूट हटा ना तो स्क्वायर सब में से हट गया हटा दिया उसके बाद बटा कर देते हैं एक बटे कॉस ए अलग अलग करते हैं अब प्लस साइन ए बटे कॉस ए। अब देखो एक बटे कॉस ए हम पहले पढ़ चुके हैं सूत्र होता है साइन ए बटा कॉस ए सूत्र होता है टेन ए नहीं दोनों का सूत्र लिख देते हैं सेक ए प्लस टेन ए बराबर आर एच एस प्रूव देख लिए इसमें है कुछ नहीं